हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग घर से कर रहा हूँ। जस्ट मुझे थोड़ी पहले न्यूज़ मिली थी कि राहुल गांधी किसी एक मैकेनिक शॉप पे गए थे दिल्ली पे, और वहाँ उन्होंने मैकेनिक वाले से कुछ वार्तालाप किए थे। तो आइए देखते हैं वो वीडियो और सुनते हैं क्या राहुल गांधी ने कहा था और उनके पास कौन सी बाइक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, जिनको हम लोग टीवी पे देखते हैं और वो एकदम से आपके शॉप पे आ जाए या आपके शोरूम पे आ जाए तो आप एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। तो मेरे लड़के भी हैरान हो गए कि ये सर कैसे आ गए और कैसे पीछे गली से बिल्कुल चुपचाप, जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसे तो हम डर गए कि ये कौन आ गया। लेकिन जब वो आए तो ऐसा कंफर्टेबल फील हुआ कि जैसे कोई वो बड़ा आदमी आया नहीं है। राहुल गांधी नहीं था, कल एक हमारे जैसे आम लड़के हैं, उनकी तरीके से हमसे वो बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पर आए थे, कितना फेमिलियर लगा आपको कि वो आपके साथ बैठे, क्या क्या चीजें वहाँ पर थी? देखिए, मैंने कभी किसी नेता को टच नहीं किया और कल उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डाला हुआ था और वो एक एक चीज के बारे में पूछ रहे थे। और जो मेरे पास मेरे बच्चे काम करते हैं उनसे पूरी बातचीत की कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आप कैसे उनकी पढ़ाई कर रहे हो, कैसे गुजारा होता है, कौन कौन सी बाइक्स ठीक करते हो। तो उसमें हमारा एक लड़का है उमेद, उसकी मोटरसाइकिल खराब थी स्प्लेंडर। तो उसने कहा सर देखो मैं अपनी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। तो उसने चेन कवर वगैरह सब उतार रखा था, तो बिल्कुल उसके साथ जमीन पे बैठ के कि चेन कैसे टच कर रही थी आपको, या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी घर से आते जाते हुए। उसने बोला कि जब हम फ्री होते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा काम है रॉयल एनफील्ड मतलब बुलेट के नाम से। तो उसने जो है स्प्लेंडर ठीक करने जो है उनको सर को सिखाई। तो हमारे यहाँ एक बड़ा शरारती बच्चा है विक्की, इलेक्ट्रीशियन है। तो उसने बोला सर हम आपको जो है स्प्लेंडर ठीक करनी सिखाते हैं, आप हमें राजनीति सिखाइए। तो उसके बाद बोला कि सर आपकी शादी कब होगी? तो विक्की ने कहा कि आपकी शादी कब होगी? तो सर ने कहा जब तेरी शादी होगी उस दिन मैं भी शादी कर लूंगा। मतलब काफी हंसी मजाक, कौन सी चाय पीते हो, कहां से मंगाते हो? ना सर अभी मंगा के पिलाते हैं, फिर वो बिस्किट्स चाय, इस तरीके का एटमोसफेयर हमारे लिए पहली बार एक्सपीरियंस था। कल के दिन बहुत ही अच्छा, जिंदगी सपने में नहीं सोचा था राहुल गांधी जी से हमारा ऐसा मुलाकात हो सकता है। ऑटोमेटिक कोई नेता, कोई प्रनेता, कोई इंजीनियर, कोई आज तक इस शॉप पे नहीं आया जो अचानक राहुल गांधी जी आए।